हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज फिर से मैं लेके आई हूँ एक नए नाश्ते की रेसिपी जो कि बहुत ही हेल्दी है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये बनाने में भी बहुत झटपट से बन जाता है, बहुत कम टाइम में। तो आप सुबह की चाय के साथ या शाम की छोटी मोटी भूख के साथ या बच्चों के टिफ़िन के लिए इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पर एक आलू मीडियम साइज़ का, जिसे मैंने छील कर कद्दूकस कर लिया है, और ये छोटा सा लौकी का टुकड़ा है जिसे भी कद्दूकस कर लिया। आप इसकी जगह कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, हरी सब्जियां जो आप खाना पसंद करें। और एक मीडियम कटा हुआ प्याज है, दो हरी मिर्च ली है, आप मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये चम्मच आप देखिए, ये खाने वाले चम्मच से बड़ा है, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन मीडियम साइज का है। तो इसी चम्मच से यहाँ पर एक चम्मच मैंने अरारोट लिया है। और अब इसी चम्मच से हम लेंगे एक चम्मच बेसन। तो ये एक चम्मच बेसन हो गया। और हम अब लास्ट में लेंगे एक चम्मच यहाँ पे चावल का आटा। तो आप इसे सिर्फ दो चीज़ों से भी बना सकते हैं, जैसे बेसन है और अरारोट है, या बेसन और चावल का आटा, या फिर आप बेसन और गेहूं के आटे से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। और यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे। तो यहाँ आधा चम्मच नमक लिया है, और ये दो पिंच हल्दी पाउडर है, और ये एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर है, और यहाँ पे कुछ कटा हुआ लाल मिर्च है जो कि एक चौथाई चम्मच है। तो आप नमक और मिर्ची अपने हिसाब से मैनेज करें। पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना हमने यहाँ पे डाला हुआ है बेसन, अरारोट और चावल का आटा, बस उसी से मिक्स करेंगे। अगर आपको ड्राई लगे तो थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, और जो भी हमारा मटेरियल था वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो हाथों को थोड़ा सा चिकना करते हुए इसको हम ऐसे गूँथ लेंगे। तो ये देखिए हमारा तैयार हो गया है डो। तो हाथों पे थोड़ा सा मैंने तेल लगाया हुआ है। अब एक नींबू से थोड़ा सा बड़ा साइज का यहाँ पर हम तोड़ लेंगे, और इसको आप गोल साइज में बना सकते हैं। मैंने यहाँ टिक्की का शेप दिया हुआ है। तो इस तरह से बनाकर सभी पीसेस को हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी टिक्की बनकर तैयार हो गई हैं। अब ये कटोरी ली है, और इस पे लेंगे हम एक चम्मच गेहूं का आटा। इसके जगह मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम देखिए, थोड़ा ही पानी डाला हुआ है, बहुत पतला बैटर नहीं तैयार किया है। तो ये ब्रेड का चूरा है जिसे मैंने पीस लिया था मिक्सी में डालकर। तो जो बनी हुई हमारी टिक्की है वो पहले इस आटे वाले घोल पे हम डिप करेंगे। और इसे निकाल कर जो हमारा ब्रेड का चूरा रखा है इसी पे डालकर अच्छे से कोटिंग कर देंगे इसकी। इसी तरह से हम सभी टिक्कियां तैयार कर लेंगे। और ये गैस पे मैंने रखा पैन, और यहाँ पर मैंने घी लिया हुआ है। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत थोड़ा है, आप देख सकते हैं 2 से 3 चम्मच है। बहुत कम तेल में नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से सभी टिक्कियां हम रख देंगे, और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए नीचे से ब्राउन लगने लगी हैं, देख सकते हैं आप, नीचे से पूरी तरह से सिक गई हैं। तो इनको हम पूरी पलट देंगे इस तरह से चम्मच की सहायता से, ताकि ये दूसरी साइड भी अच्छी गोल्डन पककर तैयार हो जाएं। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का कलर आया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी पक गई हैं, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही हेल्दी नाश्ता। आप किसी भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से सब्जियाँ भी इस्तेमाल में आ जाती हैं। तो इसे सर्व कर लेंगे। आप इसे बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं, चाय के साथ तो बहुत ही टेस्टी ये लगेंगी। और आपने देखा कि बनाने में भी बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पे।